हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एटमिक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्मन शेफर्ड वर्सेस पिटबुल के बारे में। आपने इन दोनों डॉग ब्रीड का नाम जरूर सुना होगा। ये काफ़ी पॉपुलर डॉग ब्रीड है और आप अगर इन दोनों में से कोई डॉग ब्रीड एडॉप्ट करना चाहते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्या खास है इन डॉग ब्रीड में, क्या ये दोनों ही डॉग ब्रीड एग्रेसिव होते हैं, सब कुछ अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप इन दोनों में से कोई डॉग ब्रीड एडॉप्ट करना चाहते हैं और सही डिसीजन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर दोस्तों आपकी डॉग की हेल्थ इंक्रीज़ नहीं हो रही हो, वो काफ़ी वीक हो, उसको बोन रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहे हो, उसकी हेयर ग्रो नहीं हो रही हो, कोट शाइन नहीं हो रहा हो, तो हाल ही में मैंने कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताया जो आपके डॉग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। उस वीडियो में मैंने गिव अवे भी रखा है, तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जीत सकते हैं ये प्रोडक्ट। ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दी है, आप ज़रूर से जाके देखिएगा। और अगर आपके डॉग के लिए आपको बेस्ट फूड चाहिए तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है, उस पर भी गिव अवे रखा है, तो ऊपर जाके आई बटन में जाके आप वीडियो देख सकते हो। और दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी है, तो वहाँ से जाके भी आप वीडियो देख सकते हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम एक एक करके दोनों ही डॉग ब्रीड के बारे में बात कर लेते हैं। पिटबुल, पिटबुल के बारे में आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होगी, आपके फ्रेंड्स ने भी सजेस्ट किया होगा अगर आप डॉग ब्रीड एडॉप्ट करने जा रहे हो तो, कि इसे ना एडॉप्ट करें, ये काफ़ी डेंजरस है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये डॉग ब्रीड को अगर आप परफेक्टली ट्रेन करो, सोशलाइज करो, अगर बचपन से ही आपके साथ रहता है तो ये काफ़ी फ्रेंडली रह सकता है। लेकिन अगर आप ये एडॉप्ट कर रहे हो तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपको खुद को भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है, क्योंकि ये डॉग ब्रीड काफ़ी स्ट्रांग होती है, इसको कंट्रोल करना काफ़ी हार्ड होता है। इसे पालने के लिए डॉग ओनर को काफ़ी एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर हो और आप डॉग ब्रीड एडॉप्ट करना चाहते हैं तो आप पिटबुल ना। और दोस्तों अगर आपको एक्सपीरियंस है कि डॉग को कैसे संभालते, आपने रॉटवाइलर जैसी डॉग ब्रीड को संभाला है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस डॉग ब्रीड को और इसको परफेक्टली ट्रेनिंग एंड सोशलाइज करके इसको बेस्ट डॉग बना सकते हैं और आपके लिए ये बेस्ट कंपेनियन भी बन सकता है। और दोस्तों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, इस डॉग ब्रीड को ज़्यादा बांध के ना रखें और दूसरे के साथ ज़रूर मिलाए और सोशलाइज कराए उसे, वरना ये डॉग ब्रीड काफ़ी चिड़चिड़ा हो सकता है और काफ़ी एग्रेसिव भी बन सकता है। और बात करें अब जर्मन शेफर्ड की, तो जर्मन शेफर्ड में भी इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि इसे आप ज़्यादा बांध के ना रखें, दूसरों के साथ सोशलाइज ज़रूर कराएं, वरना ये चिड़चिड़ा हो सकता है। ये डॉग ब्रीड काफ़ी अच्छी डॉग ब्रीड होती है, अगर आप इन्हें बचपन से सोशलाइज करें, इनके साथ टाइम स्पेंड करें, तो ये डॉग ब्रीड आपके लिए बेस्ट कंपेनियन डॉग ब्रीड बन सकती है। और बात करें इन डॉग ब्रीड को डेली लाइफ में किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो दोस्तों इनको आप एक्सरसाइज कराने ज़रूर ले जाए, वॉकिंग पे ज़रूर ले जाए और इनको ट्रेनिंग ज़रूर दे। आपको ये एफर्ट्स तो ज़रूर करने पड़ेंगे अगर आपको इन डॉग ब्रीड को हेल्दी और डिसिप्लिन रखना हो तो। एक्सरसाइज तो ज़रूर कराएं आप इन डॉग ब्रीड को, क्योंकि इन डॉग ब्रीड को एक्सरसाइज की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, वरना ये डॉग ब्रीड वेट गेन कर सकती है। बात करें इन दोनों ही डॉग ब्रीड में से अगर आपको बेबीज़ के साथ रखना हो तो कौन सा डॉग ब्रीड ज़्यादा बेटर रहेगा फर्स्ट टाइम ओनर के लिए, तो दोस्तों मेरे हिसाब से जर्मन शेफर्ड आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये डॉग ब्रीड को आप बचपन से ही सोशलाइज ज़रूर कराएं, जिससे कि ये बेबीज़ के साथ काफ़ी अच्छे से रहे। पिटबुल भी रह सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, उसको सोशलाइज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आपके घर में अगर बेबीज़ हो तो आप जर्मन शेफर्ड ला सकते हैं। इनको बचपन से ही उनके साथ सोशलाइज कराएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करने दें, जिससे कि वो उनकी केयर भी करें और आपके लिए बेस्ट डॉग ब्रीड भी बनी रहे। ध्यान रहे दोस्तों, जर्मन शेफर्ड जब बेबीज़ के साथ खेल रहा हो तो किसी बड़े का होना ज़रूरी है, क्योंकि बेबीज़ खेलते खेलते कभी उनके आँख पे मार सकते हैं, मुंह पे मार सकते हैं या फिर उनकी टेल पे पैर दे सकते हैं, तो इसमें आपको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, इसलिए किसी बड़े का होना ज़रूरी है। और दोस्तों आपको एज अ गार्ड डॉग इनको एडॉप्ट करना है तो कौन सा डॉग ब्रीड अच्छा रहेगा, जर्मन शेफर्ड या पिटबुल? दोस्तों दोनों ही डॉग ब्रीड काफ़ी अच्छे गार्ड डॉग होते हैं, अगर आप इसे किसी चीज़ की गार्डिंग के लिए रखते हैं तो ये आपकी उम्मीदों पे ज़रूर खरा उतरेगा, ये काफ़ी अच्छे से गार्डिंग कर लेते हैं। और बात करें इन दोनों डॉग ब्रीड में से ग्रूमिंग की, किसको ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो जर्मन शेफर्ड को ग्रूमिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इनके बाल साल भर झड़ते हैं। और दोस्तों ध्यान रहे इन डॉग ब्रीड का जो डाइट प्लान होगा वो काफ़ी प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि ये डॉग ब्रीड काफ़ी एनर्जेटिक और एक्टिव होते हैं। अगर आपको डाइट प्लान की वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो या फिर
वीडियो के एंड में मैं दे दूंगा, तो आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं जर्मन शेफर्ड को एडॉप्ट करता हूँ तो ये एकदम लेबराडोर या फिर गोल्डन रिट्रीवर जैसा हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। इनमें जो गार्डिंग की स्किल है थोड़ी बहुत, वो तो आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। आपके घर में अगर कोई मेहमान आता हो, अनजान आदमी आता हो, तो ये लोग ज़रूर बाग ज़रूर करेंगे ये डॉग ब्रीड। और अगर आप इनको स्मेल करने दे, उनसे मिलने दे और उनके साथ टाइम स्पेंड करने दे, तो ये उनके साथ भी काफ़ी अच्छे से रह सकते हैं। तो ध्यान रहे कि इनमें थोड़ी सी गार्डिंग की स्किल आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। दोस्तों डॉग ख़रीदने से पहले आप ये ज़रूर सोच लें कि इन पे जो मनी स्पेंड होने वाला है, जैसे कि अगर इनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हुई या फिर डॉग बीमार हुआ, तो आप इन पे जो मनी स्पेंड कर पाएंगे आगे चल के, क्या आप इनका ख्याल रख पाएंगे, आप ये सब सोच के ही डॉग ब्रीड बाय कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो कि इन दोनों में से कौन सा डॉग बेटर रहेगा, किन चीज़ों का ध्यान रखें। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलता हूँ आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।